पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बहुत भयंकर खबर है ये। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के तरफ चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इनके यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर निकलेंगे, नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं। इधर तेजस्वी यादव के पहले चरण की यात्रा समाप्त होगी। इन सब के बीच में जो बिहार में राजनीति सरगर्मियां बढ़ी है, इन सरगर्मियों के पीछे चर्चा ये चल रही थी कि बिहार में विधानसभा भंग हो सकता है। बिहार में विधानसभा भंग होगा तो विधानसभा के चुनाव भी जल्द ही हो जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार बड़ी हड़बड़ी में है। लगातार आईएएस आईपीएसओ के तबादले की बात उपेंद्र कुशवाहा को भी पच नहीं रहा है। उन्होंने भी आज एक बात कही कि आखिरकार नीतीश कुमार को इतनी बेचैनी किस बात की है कि वो तड़ातड़ माने आईएएस आईपीएसओ का जो ट्रांसफर है वो कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जाता है उनसे कि क्या मध्यावधि चुनाव होगा, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहते हैं कि देखिए, कुछ भी संभव है बिहार के राजनीति में। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तैयारी है, मध्यावधि चुनाव होगी तो उस पर हम तैयार हैं, होना ही चाहिए चुनाव। वक्त से पहले चुनाव हो जाएगा तो परिस्थितियां बहुत कुछ बदल जाएंगी। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं गरम है, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात ने कई तरह की परिस्थितियों को खड़ा कर दिया, तो वहीं अब देखिए देश भर में इंडिया गठबंधन को मजबूत करते करते गठबंधन खुद ही धीरे धीरे कमजोर होते चला जा रहा है। आपको पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर चुनाव होने हैं। इसके पहले इंडिया गठबंधन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी वो कैसी हैं? कांग्रेस और बाकी के जो दल हैं उनमें पट नहीं रहा है। अभी अभी एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जेल से छूट कर आए हैं। 177 दिन के बाद जेल से बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इतनी जल्दबाजी में जमानत क्यों दी गई? जमानत दे दी गई लेकिन इसके पीछे नियम और कानून लगा दिए गए। वो नियम और कानून जब आप सुनेंगे तो ये भी आपके लिए आश्चर्यचकित होगा कि ये किस नियम और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल पर जो जमानत की जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर छोड़ा गया है। 6 ऐसी शर्तें हैं जिसे आप सुनिए एक एक करके। पहला, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तीसरा, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। चौथा, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। पांचवा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। छठा, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये 6 जमानत की शर्तें हैं। अब बताइए, ये शर्त तो लगना चाहिए आपको इधर झारखंड में हेमंत सोरेन पर भी ये उनको जेल से निकल रिहा किया गया है, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल पर ही क्यों? ये रणनीति क्या बीजेपी की है? बीजेपी इस रणनीति के पीछे काम कर रहा है? इंडिया गठबंधन में आपने देखा होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पट नहीं रहा है। हरियाणा चुनाव में सीट बंटवारे पर ही दोनों में सहमति नहीं बनी। इसके अलावा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान ये कर दिया कि सीएम का पद छोड़ दूंगा, 2 दिन में सीएम के पद से इस्तीफा दूंगा, सिसोदिया भी नहीं रहेंगे, पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल 2014 और 15 वाली वो पैटर्न को दोहरा रहे हैं जो बिहार में कभी नीतीश कुमार ने दोहराया है? नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का प्रकरण आप सबको याद है। 2014 में कैसे नरेंद्र मोदी को जब भाजपा ने आगे किया प्रधानमंत्री पद के लिए, तब नीतीश कुमार को ये आस था, ये उम्मीद था कि बीजेपी आरएसएस शायद उनको प्रधानमंत्री के लिए मतलब आगे करे, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। अचानक से नरेंद्र मोदी को, वो भी गुजरात के सीएम थे, नीतीश भी बिहार के सीएम हैं और एनडीए के साथ उनका गठबंधन रहा है, बीजेपी हमेशा उनको आगे करते रही, तब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि आखिरकार गुजरात के सीएम को जब बीजेपी आगे कर सकती है, मुझे क्यों नहीं। तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और 2014
14 में आपको बताया कि 20 मई का वो दिन था, 20 मई 2014 से लेकर जीतन राम मांझी को 20 फरवरी 2015 तक ये इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए जीतन राम मांझी को ये कुर्सी सौंप दी थी। तब ये चर्चाएं खूब उठी थी। अब वही पैटर्न एक बार फिर से हुआ था झारखंड में, हेमंत सोरेन ने किया चंपई सोरेन के साथ, और जीतन राम मांझी भी 2015 के बाद बगावती तेवर में आए थे और वो जदयू छोड़ दिए उन्होंने और अपनी पार्टी उन्होंने बनाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और उस पार्टी के आधार पर आज उन्होंने अपने विधायक तो जिताए, खुद ही सांसद बने, खुद भी केंद्र में मंत्री भी बन गए, और वही प्रकरण चंपई सोरेन ने भी दोहराया। चंपई सोरेन को लेकर चर्चाएं खूब उठी कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाएंगे, जब उनको सीएम से पद से हटाया गया पार्टी के साथ साथ विधायकों के संपर्क में उन्होंने रखा है। इसके अलावा वो चर्चा थी कि पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन वो अंततः बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अब दिल्ली का प्रकरण देख लीजिए, दिल्ली में भी कमोबेश वही स्थिति हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो बातें कही हैं इसमें जो उनकी शर्तें हैं जमानत की, इसके आधार पर ही उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो नया मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिमंडल होगा वो भी नया होगा। भाजपा, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा, दो दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा, चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप है जो मुझ पर है, उनका भी यही सोचना है कि वे भी पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही वो पद संभालेंगे। देखिए, जनवरी में दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जनवरी महीने से पहले ही संभावित है कि चुनाव होंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि 4 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, दिल्ली, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तो चारों के संभावित है कि एक साथ हो सके, और ये समय मिलेगा अरविंद केजरीवाल को खुद को जो दोषी जो बताया गया है खुद को निर्दोष साबित करने का, उनको समय मिलेगा। सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियां उनके साथ क्रिएट हो रही थी, उससे थोड़े दिन के लिए मुक्ति रहेंगे, फिर 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए सीएम जो है केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसका असर बाकी के राज्यों में कैसे पड़ता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना है, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।